तो स्वागत है तुम लोग का मित्रों। सब्सक्राइब करो बे। अब आज का वीडियो आने वाला था किसी और टॉपिक पर, लेकिन आएगा ई-स्पोर्ट के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को ई-स्पोर्ट पर बात करे हुए बहुत दिन हो चुके थे। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि महीने में एक आध वीडियो ई-स्पोर्ट के ऊपर भी ले आऊं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हारा मूड खराब करना चाहता हूं। का नशा है, चले रही मेडिकेशन इस खेल पे। अब सच सच बताना, तुम लोग को अज्जू का गाना कैसा लगा, जिसमें अज्जू का उतना ही कंट्रीब्यूशन है इतना आदि टेक के चैनल में टेक का, जिसको लिखा है स्मोक ने, ओके, प्रोड्यूस और इंजीनियर क्वाब ने, डायरेक्टेड बाय वार्डअप JTN, एनिमेशन हिमांशु। अरे अज्जू, तूने तो कुछ किया ही नहीं गाने में। हाँ, पिकाचू को क्या ही पता लगेगा, उनके लिए तो टोटल गेमिंग नहीं डाला ना, अज्जू भाई ने डाला गाना। लेकिन खैर छोड़ो, क्योंकि आज हमारा मुद्दा अज्जू नहीं, अज्जू की टीम है, टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स, है ना फौजी अजय? अगर तुम्हारी बात नहीं करूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे ना। तो गाइस, मिलते हैं एक नए लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। सभी लोग टोटल गेमिंग फौजी भाई ओपी लगा दो, डिलीट ओपी लगा दो, माफिया बाला ओपी जरूर लगाना, बाकी मिलेगा। क्या बोलते बाला भाई, आएंगे जोरदार। बाला भाई अभी देखना, जो भाई बाला भाई शादी से फिर हो जाएंगे 7 तारीख के बाद, फिर देखना। फिर मैं मजाक छट के पता कौन से लाइन पिलाने वाला हूँ, जो भाई कुछ दिन में देखूंगा बाला और ये लोग, मतलब मेरे अलावा बाला खेलेगा कुछ दिनों के लिए, और मैं पूरा फोन में बैठ के। लाइव बंद हो गया ना? तो आज से एक दो महीने पहले कौए ने इसके बारे में और भी बात करी थी, जिसका यूट्यूब नेम है दैट्स ऑल। लेकिन उस टाइम इसकी बात किसी ने मानी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम दैट्स ऑल के स्कैम के बहुत चर्चे चल रहे थे, यहाँ तक कि हमने भी नहीं मानी थी, ये सोचकर कि भाई इसके तो पहले ही बहुत चर्चे चल रहे हैं, कहाँ से सच बोलेगा। लेकिन अब जाकर पता लग रहा है वो बंदा एकदम सच बोल रहा था, और तुम लोग उसकी एक छोटी सी क्लिप भी देख लो। घटा दिया नेट डालने में, उधर निवेश को भी इन्होंने पीछे कर दिया भाई, इतने ओपी नेट डाल रहे हैं कि भाई तनेजा ओपी भी इनसे शर्मा जाए, इतने ओपी नेट यहाँ पे फौजी भाई एक ही दिन में कैसे डालना सीख गए, सब ये सोच रहे होंगे। तो चलो गाइस, अब मैं बताता हूँ इनकी आईडी से फौजी भाई खेल ही नहीं रहे हैं भाई, इसीलिए इतने ओपी नेट डाल पा रहे हैं। मैं बताता हूँ गाइस, इनकी आईडी से एक्चुअल में खेल रहा है, वहाँ पे फौजी भाई की आईडी से खेल रहे थे टीजी ड्रैगन जी। आज इनकी एक बार एबिलिटी चेक करो आप। ये अब बहुत लोगों को ये वाली बात बुरी लगेगी कि भाई क्या हो गया, कैरेक्टर्स के लिए तो चेंज करी है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन जो अभी तुम्हें सबसे पहली क्लिप दिखाई थी ना, जिसमें फौजी भाई ने बोला था कि लाइफ बंद हो गया, तो अब मैंने जनता का पागल बनाना था, वो मैंने बना दिया अज्जू भाई। लेकिन हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको चाहिए सिंपथी। फौजी भाई रात को ऑनलाइन आएंगे 3 बजे और लाइव आकर कहेंगे, हेलो गाइस, देखो गाइस मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ये यहाँ के इंडियन कम्युनिटी के जो रोस्टर है ना, इनको कुछ अक्ल वगैरह नहीं है। देखो गाइस, मैंने जो कहा था वो फन के लिए कहा था, बिल्कुल भी मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अज्जू भाई बोल दिया, बंद कर दूं ना लाइव। अब जो टीजी के पिकाचू है ना, वो आएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में, कहेंगे भाई तू टोटल गेमिंग से जलता है, तू हमारे अज्जू भाई से जलता है, और तू टोटल गेमिंग के नाम पर व्यूज छाप रहा है। तो मेरे भाई हाँ छाप रहा हूँ, और टोटल गेमिंग से जलने की बात तो तब है ना जब उसने कोई अच्छा काम किया हो। उसने आज तक फेस रिवील के अलावा कोई अच्छा काम नहीं किया। दिन की 2 वीडियो डालेगा, जिनमें से एक नो इंटरनेट प्रैंक होगी, दूसरी होगी सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो उसमें मैं क्या जलूँ, बस फर्क इतना है कि उसके पास 9 साल के पिकाचू है, और मेरे पास जितनी ऑडियंस है वो सब मैच्योर ऑडियंस है, और हाँ कम से कम मेरे कंटेंट में उससे ज्यादा दम है। अरे श्रेय वाईटी, तू तो कह रहा था कि टोटल गेमिंग का सॉन्ग सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन इसने तो तेरे ही चैनल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो तेरे एवरेज व्यूज 4 लाख आते हैं, वो 3 लाख पर अटक गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से ज्यादातर लोगों के स्कूल अब खुल चुके हैं, तभी तो लाइव में 5 लाख की वॉचिंग नहीं गई। देखने में ऐसा भी आ रहा है कि बच्चे जो है वो ट्विटर पर भी बढ़ चुके हैं। क्या मतलब, अज्जू भाई ट्विटर पे भी है, वहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे जिस टाइम ये फौजी अजय वाला कांड हुआ है ना, उस टाइम लाइव में 15,000 की वॉचिंग थी, लेकिन थे सबके सब पिकाचू। तो उनको क्या देखना है कि हाँ भाई अज्जू भाई बोल रहे, अज्जू भाई की बात ध्यान से सुनो, लाइफ पे वॉचिंग मेंटेन रखनी है। समझ कुछ ना आ रहा हो, लेकिन लाइफ पे वॉचिंग मेंटेन रखनी, क्यों? क्योंकि हमारे अज्जू भाई बोल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन पर भी तो चलना है। अभी देखो, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा इस मामले में, क्योंकि टोटल गेमिंग है भाई, वो तो कुछ भी करेगा। अब देखना ये है कि अज्जू भाई इसको कैसे काउंटर करते हैं। हाँ, वैसे अगर कोई और यूट्यूबर करता तो अब तक जनता उसको बावड़ा कर देती, लेकिन भाई टोटल गेमिंग है, अज्जू भाई है हमारे प्यारे, और थोड़ी देर बाद अज्जू भाई भी आएंगे और कहेंगे, देखो गाइस जो भी बात थी ना, वो मेरे और फौजी भाई की अलग बात थी आपस में, इसका कोई उससे लेना देना नहीं है, सब पागल बना रहे हैं, जो रोस्टर जितने बैठे सब आपको पागल बना रहे हैं, इनको सीरियस मत लेना। खैर ये तो बात रही टीजी स्पोर्ट की, अब बात करते हैं एक ऐसे स्कैमर की, जिसके स्कैम के चर्चे आजकल बहुत उड़ रहे हैं। और मेरे पास एक ऐसा वीडियो आया था जो मैं तुम लोग को भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग भी चौकन्ने हो जाओ थोड़े से। अरे गिफ्ट का क्या करूंगा मैं, मेरे को तो मतलब होटल में पेमेंट करनी है ना, गिफ्ट के लिए तो मेरे पे 5 डायमंड पड़े हुए हैं अभी। अच्छा मतलब वैसे चाहिए, होटल में पेमेंट करनी है ना, फिर उसके बाद मैं निकलूंगा यहाँ से 12 बजे 12:30 पे, तो फिर 12:30 तो हो जाएगा ना, लेकिन ठीक है, तो फिर मॉल लेने आता हूँ तभी, है ना।
तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा, ये वी बैज वाला लकी एफएफ 5000 रुपए की डिमांड कर रहा है क्योंकि इसको होटल से चेकआउट करना है। तो इसमें तुमने देखा एक वी बैज का लकी एफएफ है जो कि 5000 रुपए की डिमांड कर रहा है क्योंकि उसको होटल से चेकआउट करना है। और पहली बात तो ये वी बैज वाले इतने बिकमंगे कब से बन गए कि इनके पास 5000 रुपए भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये पहला नहीं है, इसने ऐसे बहुत कांड कर रखे है और वैसे इसके लिए भी एक अलग से टैलेंट चाहिए। और लकी भैया ये तुम कैसे करते हो? इसके लिए देखो अलग से टैलेंट चाहिए जो मुझे तुमसे सीखना है फॉर एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि मुझे इन स्कैम वगैरह का कोई शौक नहीं है। और लकी वैसे तेरे ये कांड जो है ना ये मेरे पास आते रहते हैं, बस वो ये है वीडियो में ऐड करने का मन नहीं करता, वो तो वीडियो की ड्यूरेशन बड़ी करनी थी इसलिए मैंने थोड़ा बीच में घुसा दिया। तो वैसे तुम लोग चौकन्ने रहो इस टाइप के स्कैम से, और लकी तेरे ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा मैं, टेंशन मत ले, तुझे भूला नहीं हूँ। और कृपया जाके लकी एफएफ को मेरी तरफ से हेलो बोल के आना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक मेरे जिगर के छल्लो अपना ध्यान रखना और ऐसे स्कैमर से बचे रहना और घर पे रहना। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद। अब जाते जाते तुम लोग मेरी एक और बात सुन जाओ, मतलब कोई सीरियस बात नहीं है, खाली टाइम पास के लिए। स्टॉप कॉलिंग योर एक्स स्नेक, मेरी वाली तो स्पाइडर थी, जाल बुनती थी साली। बेबी मैंने ब्लॉक नहीं किया, मेरे भाई ने किया है। अरे दीदी ऐसा कैसे चलेगा? अपना क्या है, हम तो बंदे ही हैं, मोड़ के जहां मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल लुटाएंगे।